साची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही अपने दर्शकों को मैं लेकर के चल रहा हूं आज फिर अक्षरा थिएटर में, जहां हो रहा है पंचानन पाठक स्मृति साप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जो प्ले देखेंगे उस प्ले का नाम है वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, जिसे निर्देशित किया है सुंदरलाल छाबड़ा जी ने। जल्दी करियो, मार जल्दी, मार 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 इसको, मार बताओ बताओ अब मेरी बारी, मेरी के पास मत आना, ये हर्ष रेखा है, पास आए भस्म हो जाओगे। काला जादू कौन लेके आया इस तांत्रिक को, जल्दी कर यार, ये तांत्रिक भी है। हां मुंह छोड़ा, ये भी वैसे ही कर रहा है। अबे मार, जल्दी मार, अबे मार, मार मार, अबे मार, अबे मार। खबरदार जो अंदर आए, बादल से कहता कब कोई क्यों यहाँ जलधार बरसाए, फिर क्यों क्यों भैया हमसे कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, मम्मी कहती घर भर खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो,
खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते हैं बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम ही पे है सबका बस चलता, हम ही पे है सबका बस चलता। जो चाहे वो डांट बताए, जो चाहे वो डांट बताए। अगर बेटा कल महकमे में हाजिरी नहीं लगाई ना, एक एक घर आके एक एक का फीता काट दूंगा। खट खट खचा। और तू? मैं? तू नहीं करूंगा, तू। मैं? हाँ, मेरे साथ चल और पतंगे पकड़ने में मेरी मदद कर। मेरी खाला का निकल मैं नहीं आऊंगा। तेरी खाला करो, तलाक होता है निकाह होता। चल 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 अंदर चल। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वो पुआल का बिछोना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में दौड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने घूम रही हैं। चमरौंधे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, आज फ्लेक्स के बूटों में भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मजा था, वो पेप्सी और कोका कोला में कहां। कच्चे बेरों में और चबेरों में जो रस था, वो रियल जूस मैगी और पास्ता में कहां। छोटे हल्दर, मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ पासी के गांव में एक मौलवी साहब के यहां पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी और हल्दर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः काल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। और फिर तो सारा दिन अपना था। ये मौलवी साहब, क्या कोई हाजिर का रजिस्टर तो था नहीं? और ना ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था, तो डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों के कवायद देखते। अटेंशन, जवान बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और कभी किसी बंदर या भालू का खेल दिखाने वाले मदारी के पीछे पूरा दिन काट देते थे। जमूरे जी उस्ताद, बंदर बन के दिखाएगा जी उस्ताद। टक 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 टक। जमूरे जी उस्ताद, बंदर की तरह नाच के दिखाएगा जी उस्ताद। टक 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 टक। जमूरे जी उस्ताद, बंदर की तरह कलाबाजी खा के दिखाएगा जी उस्ताद। टक जमूरे जमूरे जी उस्ताद, द शो मस्ट गो ऑन। कभी रेलवे, कभी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते और वहां गाड़ियों की बाहर देखते। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, चिक 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 चिक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। गाड़ियों की समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग में होना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं भी खुद रहा था। वो कुआं भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। वो बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में कितने प्रेम से बैठाता था और हम लड़ झगड़ कर उससे उसका काम कर दिया करते थे। भैया मैं करूंगा, भैया मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। बड़ा कौन, छोटा कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन। फिर कभी बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, वो कहीं खुरपी लिए क्यारियों को गोड़ रहे हैं, कभी कैंची से पेड़ों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, वो हमसे काम लेता पर मानो इस तरह हम पर कोई एहसान कर रहा हो। और जितना काम वो दिन भर में करता, हम घंटे भर में निपटा देते थे। भैया छोटे, भैया छोटे, भैया छोटे, भैया छोटे, भैया छोटे, भैया छोटे, भैया। अब वो माली नहीं रहा, लेकिन वो बाग हरा भरा है। जब भी उन पेड़ों के पास से होकर गुजरता हूं तो जी चाहता है कि इन पेड़ों के गले लगकर रोऊं और कहूं, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी हरी जितने तुम्हारे ये पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। अलेफ, अलेफ, पे, ते, से, पे, जी। हाँ बताओ कहाँ थे। वो
मौलवी साहब? अरे पठाने का मकर कहाँ था? चोट, मौलवी साहब हल्कर के चोट लग गई। चोट लगी है कहीं से पिटपिटा के आ गए हो, जरूर किसी का सीधा उल्टा कर दिया होगा। खैर बैठो सब क्या करो। हल्कर तुमको एक काम दिया था। कौन से काम? अरे वही कलुआ के चाचा के मामा के फूफी के बहनोई के भतीजे के वालिद के खाली के नालिद के वालिद के वालिद का वालिद का पोता। वालिद का पोता देखा कितना जहीन है। ये है बचपन में दाढ़ी आने का कमाल, मगर कम बखत किताबी चीजें तुझे याद होती नहीं और फालतू की। अबे तू आ रिया था या जा रिया था? मौलवी साहब मैं आ रिया था। मुझे लगा तू जा रिया था। मौलवी साहब मैं जा ही रिया था। मुझे लगा तू आ ही रिया था। मौलवी साहब आ ही तो रिया था। मुझे लगा जा ही तो रिया था। मैं जा ही रिया था। अरे आ रिया था जा रिया था, जो भी है बैठ जाओ। और हल्का तू और तुम्हारी आटा टुकड़ी खत्म हो गई है। तुम मौलवी साहब का एक मामूली सा काम भूल गए। कौन सा काम मौलवी? अरे भाई कच्चे वाला वो भूल गया। भूल गए तो जाओ और फौरन से भाभी गए। मौलवी साहब सभी कहाँ चले मियाँ? खाला के निकाह में? हल्डर तुम जाओ उसे बुला कर लाओ, बाकी मेरे साथ आओ। और तुम नशेड़ी तुम्ही को कह रहे हैं बैठो सबक याद करो। चलो बाकी चलो बगीचे की जानी चलो चलते रहो। चलो इधर चलो उधर नहीं चलो। आज मौलवी साहब तुम्हें पटंगे पकड़ने की तालीम देंगे। चलो बगीचे की जानी चलो। चोट उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। लेकिन अब तो ये हाल है कि बहुत सर खपाने के बाद ही कोई कहानी सूझती है। खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवी गिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हार में उनकी खूब बड़ाई करते थे। अजी यूं कहिए मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से यदि उनको कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते और जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता हम मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लेके जाते। कभी आपसे रात फलियां ले ली। मौलवी साहब कभी दस पांचों की ले ली, कभी गुड़ के बड़े बड़े ठेले, कभी चावल, कभी मिश्री के दाने, कभी खजूर, कभी छुआरे, कभी बादाम और कभी गेहूं की हरी हरी बालियां। माशाल्लाह बहुत नेक बच्चे हैं। मौलवी साहब का बेहद ख्याल रखते हैं। अल्लाह तुमको हर बरकत बख्शेगा। खाम खा डांट खा के देते हो, पहले देनी होती तो इतनी डांट तो ना पड़ती। उन सौगातों को देखकर मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता था। और जब इन चीजों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने के लिए कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का बड़ा शौक था। मकतब में श्यामा बुलबुल धैयल और चंडूलों के पिंजरे लटके रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो पर चिड़ियों को याद हो जाता था। वो भी हमारे साथ ही पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। छोटे छोटे मौलवी साहब बेसन छोटे मौलवी साहब ने लड़कों को पतंगे पकड़ने की ताकीद दे रखी थी। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी और कभी कभी हमारी बला इन पतंगों के सरी चली जाती थी। इन पतंगों का बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को शांत कर देते थे। मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। एक दिन सवेरे सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। रुपया तुम्हें कहां से मिला? अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लिया। उन दोनों घर में अलमारियां संदूक तो थे नहीं, रुपए पैसे ऊंची ताक पर रख दिए जाते थे। जब घर में सभी लोग काम ढूंढने लग गए मैंने चारपाई खड़ी कर दी और एक रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने रुपया छुआ तक ना था। वो रुपया देख कर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वो अभी तक याद है। वो रुपया हमारे लिए एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिलते थे
महीने के अंत में चाचा जी पैसे खुद दे आते। भला कौन हमारे घर का अनुमान कर सकता था, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। भय अनुमति तो है नहीं, चोरी पकड़ी जाना मान नहीं पाता। और पिताजी की मार का भी मुझे तो नहीं, पर हल्दर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो चुका था। यूं तो पिताजी सीधा साधा आदमी पूरी दुनिया में ना था, अगर पिताजी ने हल्दर की रक्षा। हल्दर, 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 अगर पिताजी ने हल्दर की रक्षा का भार सर पे ना उठाया होता तो कोई बनिया ने बाजार में बेच सकता था। लेकिन जब पिताजी को क्रोध आ जाता तो उन्हें कुछ ना सूझता, और तो और अम्मा भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। खैर, हमने कई मिनटों तक इस विषय पर विचार किया और आखिर में निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए। एक तो हम पर संदेह होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर देंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। कुछ देर और विचार करते तो निश्चय पलट जाता, और वो विपत्त लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय शांति से विचार करने की क्षमता हम दोनों में ना थी। हाथ मुंह धोकर हम दोनों घर आए और चुपके चुपके अंदर कदम रखा। अगर कहीं सी वक्त तलाशी की न बताए तो फिर गब्बर नहीं मालिक। लेकिन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, हमसे किसी ने कुछ ना बोला, ना हमने नाश्ता किया, ना चबेना लिया। चुपचाप किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश में बादल छाए हुए थे, हम दोनों खुशी खुशी मंदिर की ओर चले जा रहे थे। आज मंदिर की मिट्टी पर भी शायद उतना आनंद ना होता। हजारों मनसूबे बांधते, हजारों हवाई किले बनाते। ये अवसर बड़े भाग्य से मिला था, जीवन में शायद ही फिर कोई ऐसा अवसर मिले। इसलिए रुपया ऐसे खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 शेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा शेर में हम दोनों फर जाते। फिर ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया अच्छी कैसे, कोई ऐसी चीज खाएंगे। अमरूद, मीठे ताजे अमरूद, अमरूद, अमरूद ले लो यहां वादी अमरूद। आखिर अमरूदों पे हमारी नजर पड़ी, 2 पैसे के अमरूद लिए, सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्ते के दामन उसमें भर गए। जब हल्दर ने खटकीन के हाथ में रुपया रखा तो उसने बड़े संदेह की निगाह से देखा और पूछा, ये रुपया तुम्हें कहां से मिला लल्ला, कहीं चोरी तो नहीं की? जवाब हमारे पास तैयार था, ज्यादा नहीं तो 4 किताबें पढ़ी चुके थे और विद्या का कुछ कुछ असर हो चुका था। मौलवी साहब के पैसे देने थे, घर में पैसे नहीं थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। अच्छा, अरे रुको, हाँ बाकी के पैसे ले जाओ। अमरूद ले लो, अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, मीठे ताजे अमरूद ले लो। अमरूद वाली, अरे मौलवी साहब को भी थोड़े अमरूद दे क्या? आई मौलवी साहब, अमरूद ले लो, मीठे ताजे अमरूद। हम दोनों ने पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, लेकिन अब बचे हुए 15.5 पैसे कहाँ से पाए? न कमर में इतनी जगह, न जेब में इतनी गुंजाइश। इन्हें अपने पास रखना मतलब चोरी का ढिंढोरा पीटना है। बहुत विचार करने के बाद एक ख्याल हुआ, 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए, हाँ, और 3.5 आने की मिठाई उड़े। और ये फैसला करके मकतब की ओर चल पड़े। जिम अब आका मक्का डरा देते हो, कहीं हमारी सांस रुक जाती और हमें डमे के जाना पड़ जाता, तब तो हम यही सही हो लेते। तो तुम्हारी 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 पढ़ाई का कौन ख्याल रखता? वो तो अल्लाह की रहमत है जो मैं दूसरी लहर में भी बच गया। खैर बताओ कहाँ थे तुम लोग? हाँ बताओ कहाँ थे? वो ना, हाँ बताओ कहाँ थे? अरे पटाखा क्यों नहीं खा था? अरे बोलना का पकड़ कहाँ था? अरे बोल खा कहिए कहाँ है? हाँ सबको, मुझे कोरोना काल में अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? लाहौल में भी जाओ सब। अबे तू आ रिया था।
रहा या जा रहा था? मौलवी साहब मैं आ रहा था। मुझे लगा तू जा रहा था। मौलवी साहब मैं जा ही रहा था। मुझे लगा तू आ रहा था। आ रहा था। मुझे लगा तू जा ही रहा था। जा ही तो रहा था। मौलवी साहब आपको पागल बना रहा था। मौलवी साहब की पेनी नजरों से बच के कोई जा नहीं सकता। हाँ वो तो हमने मियाँ को देख लिया, पर तुम मियाँ यहाँ से रफू चक्कर हो लिए होते और मदरसे के सामने कहीं जाके गिल्ली डंडा खेल रही होते। पर वो आ रहा था या जा रहा था? पैसे पाते ही मौलवी साहब की बाजी खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणता महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे, लेकिन अब की बार इतनी जल्दी पैसे पाकर मौलवी साहब का खुश होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। हमने सभी लड़कों की ओर सगर नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो एक तुम हो जो मांगने पर भी पैसे नहीं देते और एक हम हैं जो पेशगी देते हैं। पेशगी हम लोग अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है और मौलवी साहब वहां पर अपनी बुलबुल लड़ाने जाएंगे तो दोपहर बाद हो जाएगी छुट्टी। ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा कर ही चुके थे, अब 3:30 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहरेगी, मुझे से रेबड़ियां खाएंगे, खूब गलगप्पे उड़ाएंगे, झूला झूलेंगे, चरखी पर भी बैठेंगे, झूले खाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक शर्त रखी है। शर्त? हाँ शर्त। हाँ तो शर्त ये है कि जो सबसे पहले सबक सुनाएगा वो मेरा देखने जाएगा। तो सबसे पहले सबक कौन सुनाएगा? मैं तुम सबक सुनाओ। अलिफ बे ते जिम हे खे डकलिया। अलिफ बे ते से जिम हे डकलिया। अलिफ बे ते से डकलिया। अलिफ बे ते से डकलिया। अलिफ बे ते से डकलिया। अलिफ डकलिया। आ है तुम कहाँ चले मियाँ? मौलवी साहब टकलिया 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 तुम हो टकलिया। जो तुम हो टकलिया नहीं है, जो टकलिया हो तुम नहीं हो। कुछ समझ में आया? नहीं तो सबक सुनाओ। अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल। अलिफ खड़े हो जाओ और फिर से सबक सुनाओ। अलिफ ए बे ते ते। अब आतम बखर तू कहाँ से आ गया? अगली मंटवा अगर इधर दिखाई दिया ना तो तेरा फीता काटूंगा। और तुम फिर से सबक सुनाओ। सुनाओ अलिफ। हाँ आगे सुनाओ, आगे सुनाओ अलिफ। अरे अलिफ के आगे सुनाओ। अलिफ बी डंडा। कल कहूंगा, तुम्हें सबक याद तो है नहीं, पूरे दिन यहीं पर सबक याद करोगे। बैठो सबक याद करो। जब तक सबक नहीं सुना देते मदरसे के बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। बैठो सबक याद करो। और नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई पर हल्दर कैद कर ली गई। बाकी अन्य लड़कों ने सबक सुना दिया तो उन्हें भी छुट्टी मिल गई और वो मेला देखने चल पड़े। मैं भी उन्हीं के साथ हो लिया क्योंकि पैसे मेरे पास ही थे तो मैंने हल्दर को साथ देने का इंतजार ना किया और ये तय किया छुट्टी मिलती ना मेले में पहुंच जाना, वही रेवड़ियां खाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, झूला झूलेंगे। अगर बेटा अगली मर्तबा आया ना तो तेरे घर आके तेरा फीता कुटर दूंगा। तुम खड़े हो जाओ, फौरन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हें सबक याद तो है नहीं, चलो मेरे साथ चलो। तुम्हें सबक याद तो है नहीं, आज पूरे दिन मेरे साथ पटंगे पकड़ोगे। चलो तुम्हारी काबिलियत इसी में है कि आज मेरे साथ चलो और पूरे दिन पटंगे पकड़ो। चलो आ जाओ। मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया पर हल्दर का अभी तक कुछ पता ही ना था। क्या मौलवी साहब ने अभी तक छुट्टी नहीं दी या फिर रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ के सड़क की ओर देखता था, अकेले मेला देखने में भी जीना लगता था। यह संशय भी हो रहा था कहीं चोरी तो नहीं पकड़ी गई और कहीं चचा जी हल्दर को पकड़ के।
जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रख के घर की ओर चल पड़ा। निकल आ रास्ते में याद आया क्यों ना मकतब होता चलूं, शायद हल्दर अभी वहीं हो। ओए टिंकल लाला ओए हल्दर, घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। क्यों? अरे चाचा आए थे, मियां हल्दर को घसीटते हुए ले गए। ऐसा घुमा के मुक्का मारा, ऐसा घुमा के मुक्का मारा कि मियां हल्दर वहीं भूखे पर जमी पर ढेर हो गए। मानो कोई अच्छा सा खाना सोच लो वरना बेबाव की पड़ेगी। फिर करना टिंकल लाला टिंकल लाला टिंकल लाला। मैं चला आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पैर मन मन भर के हो गए, घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी, किसी को लड्डू किसी को पेड़े किसी को बताशे। अपने गांव के पास पहुंचा तो गांव की ढी का सुमिरन किया। बचाने भगवान बचाने। अपने हलके में ढी की चस्सर प्रदान होती है, ये सब कुछ किया। लेकिन ज्यो ज्यो घर निकट आता जाता दिल की धड़कने बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ आती थी। देखता था सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर भागे चले जा रहे थे, गोरू भी पूंछ उठाए चलते कुत्ते भागे चले जा रहे थे, पंछी भी उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे, और मैं उसी मन गति से चला जा रहा था मानो पैरों में शक्ति ना हो। जी चाहता कि जोर से बुखार आ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन जैसे कहने से धोबी गधे पे नहीं बैठता और मांगने से मौत नहीं आती। बीमारी को तो पूछना है क्या, कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पे भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे घर के द्वार पे मिली का एक घना वृक्ष था, मैं उसी की आड़ में छुप गया कि जब घर के सब लोग सो जाएंगे तो चुपके से अम्मा के कमरे की चारपाई के नीचे छुप जाऊंगा। रात को अम्मा से सारी कथा सुना दूंगा, अम्मा कभी नहीं मारती। रात बीत जाने में फिर कौन पूछेगा और सुबह तक सबका गुस्सा शाम। अगर ये मनसूबे पूरे हो जाते तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। भाई साहब छोड़ो मारी उसे। भाई साहब दारू दारू ये दारू। बैरोठे में पिताजी बैठे थे, पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ ठीक नहीं था तो छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। अब ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी। यार तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठे हो। अरे मूंग की दाल खाओ। पर वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय कांच के गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे, शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवा सभी बसाने वाली और कड़वी होती है, ये दवा भी बुरी थी और न जाने पिताजी से मजे ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंख बंद करके एक सांस में कटक जाते हैं, लेकिन शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में होता था। पिताजी के पास गांव के दो तीन दारू थे, दारू थे, दे दारू। और कभी कभी चार पांच और मरीज आकर बैठ जाते थे और घंटों तक दवा पीते रहते थे, मुश्किल से खाना खाने के लिए उठते थे। इस समय भी मरीजों की मंडली जमाई थी। जब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया तो पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, आ गया तू? चोरी करता है? आज चोरी करेगा, लकड़ डालेगा, फिर खून करेगा। बता, बता चोरी होगा? मैंने जो देखा मेरी हिम्मत काम कर गई। बच्चे ऐसे मौके पर मचल जाते हैं और व्यर्थ में मार खाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया और घर के अंदर प्रवेश किया। चोरी करेगा, चोर मारेगा, चोर मारेगा, चोर मारेगा। अरे जी जी, आपको नहीं पता क्या कर रहा है।
चाची बचाएगी। क्यों तो चोरी कर... अरे जीजी आपको नहीं पता कैसे बताऊं। लेकिन अंदर का दृश्य तो और भी भयंकर था। लो जी ये भी आ गया। क्यों रे चोरी तूने की इसने की? अम्मा हल्दर ने चुराया था। अगर हल्दर ने चुराया तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? अम्मा हल्दर कहते थे किसी को बताया तो मार डालूंगा। लो जी मैं ना कहती थी मेरा बेटा तो चोरी कर ही नहीं सकता। बाप होता चार पैसे कमाता तो तुझे भी लोग सच्चा बोलते। तू ही सच्चा होता तो तू ही झूठा है। तू ही झूठा है जिसके किस्मत में लिखी थी मिठाई उसने तो खाई। तेरे मित्र कितनी मार पड़ने वाली थी। अम्मा मैंने अपनी माता जी के पास बैठ कर निर्दोषता का खूब राग लापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि सारा कसूर हल्दर का है। अम्मा बेटा पूरा खाना अच्छे से ठीक है। लल्ला मेरा कुछ समय बाद मैं चने खाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और हल्दर भी उसी समय अपने कमरे से बाहर आया। हम दोनों एक साथ बाहर आए और एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाने लगे। मेरी कथा सुख में थी और हल्दर की दुख में, लेकिन अंत दोनों का एक ही था, गुड और चले ना। अभी दे देना इसे खींचा तो कट गई पतंग इधर उधर उड़ मदमाती सी जाने कहां गिरी पतंग। पहले को पक्का मजा दिला। अच्छा मजा लेके आ।
झूठे पंडित को बुला यार। नहीं 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 छोटू मुझे भूख लगी है। अच्छा अभी कुछ भी किया तुम्हें छोटू भिखारी कपड़े मार रहे मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ। छोटे मैं जा रहा हूँ मेरे पेट में सर दर्द कर रहा है। अबे तू उठ रहा है मैं धोता था मैं क्या धोता मैं तेरे को आगे बताऊंगा मैं क्या धोता था। छोटे मेरा मुंडा ने मैं जा रहा हूँ ठीक है चतुरी ले अबे ढील दे अबे कटाई कट गई भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था। पर तालीम जैसे महत्व के मामले में उन्हें जल्दीबाजी पसंद ना थी। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत रखना चाहते थे इस पर आलिशान महल बन सके। इसीलिए 1 साल का काम 2 साल में करते कभी कभी 3 साल भी लग जाते। अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वो बड़े मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल की। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हर वक्त किताब खोल के बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी या किताब की हाशियों पर चिड़ियाँ कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी एक ही नाम एक ही शब्द एक ही वाक्य 10-20 बार लिख डालते और कभी ऐसी शब्द रचना करते इसका ना कोई अर्थ ना कोई सामंजस्य मतलब एक बार मैंने उनकी कॉपी में ये इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधेश यहाँ श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक और फिर कुछ दूर एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। बहुत चेष्टा की अब भी कर रहा हूं पर असफल रहा। भाई साहब और भाई साहब से पूछने का साहस ना हुआ। वो नवी जमात में थे और मैं 5वीं। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा वो बड़ी बात थी। B for ball, C for cat, D for
जीना लगता। एक घंटे भी किताब खोल कर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। जब मौका मिलता हॉस्टल छोड़ मैदान में पहुंच जाता। कभी कंकड़ियां उछालता। मैंने भाई साहब और कभी कागज की तितलियां उड़ा रहा हूं। ये और अगर कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकता। बोलना बिल्कुल दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोंगा हो जो मुझे देखकर सबक नहीं लेती। मैं कितनी मेहनत करता हूँ तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। ये तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले और तमाशे होते हैं, कभी तुमने मुझे वहाँ खेलते जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। और उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। तो तुम कैसे आशा करते हो कि यो खेल कूद में पग गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो दो तीन साल ही लगते हैं, लेकिन तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। और अगर तुम्हें इस तरह अपनी उम्र गवानी है तो बेहतर होगा घर चले जाओ और मजे से गिल्ली
डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लतार सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लतार कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत वहीं टूट जाती। इस निराशा में मैं कुछ देर के लिए सोचता कि क्यों ना घर ही चला जाऊं। अब जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर था, पर इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर ही आ जाते थे। लेकिन घंटे दो घंटे में निराशा के बादल छट जाते और मैं ये इरादा करता कि अगली बार खूब जी लगाकर पढ़ाई करूंगा। झटपट एक टाइम टेबल खड़ा था। ओए टाइम टेबल, बिना कोई नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार करे कोई काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठ हाथ मुंह धो पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से 9 हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधे घंटे का आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 हिंदी, आधे घंटे के लिए हॉस्टल के बाहर टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 ग्रामर, 10 से 11 बीस विषय और फिर और उस पर अमल करना दूसरी। पहले दिन से ही उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। वो मैदान की सुखद हरियाली, वो हवा का हल्का हल्का झोंका, कबड्डी की धाम, कबड्डी 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 कबड्डी, वो वॉलीबॉल की तेज़ फुटी, ये वॉलीबॉल की मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, ऑक्सफोर्ड पुस्तकें, मुझे कुछ याद न रहती। और भाई साहब को फिर से मेरी नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, मैं उनकी साय से दूर भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, इस तरह दबे पांव कमरे में घुसता कि उन्हें मेरी खबर ना, उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे प्राण निकले। छोटे 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 का? ठीक है। ऐसा लगता मानो नंगी तलवार सी लटक रही हो सर पर। जिस तरह इंसान मौत और विपत्ति के बीच में फंसकर भी मोह माया के बंधन को नहीं जागता, मैं डांट और घुटकियां खाकर भी खेलकूद के तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब नतीजा, भाई साहब नतीजा, अरे भाई साहब छोटे 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 भाई साहब 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 भाई साहब
भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब संसार के सभी महीप उसे कर दिया करते, बड़े से बड़े देवता उसकी गुलामी करते, आग और पानी के देवता तक उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाथ तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसे एक बार अभिमान हुआ था कि संसार में ईश्वर का कोई दूसरा भक्त है ही नहीं, नतीजा ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अभी तो तुमने केवल एक निचला दर्जा ही पास किया है, अभी से दिमाग फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये सफलता केवल एक बार हाथ लग सकती है बच्चू, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश तार का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। अब कौन सा काम किस हेनरी के समय हुआ ये याद रखना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा, सारे नंबर गायब, सवाल चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों मिलने कौड़ी और चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधिया रोग हो जाता है, इन भागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे सोयम सोयम चारों और पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 1,000,000 नाम बता देता, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पना। और ब ज की बजाय और ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दय मुतमहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ जा बा और आ जा बा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? अब दाल भात रोटी खाई, अब भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन अध्यापकों को क्या, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसर बैठ की बातों को पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर ये लंब गिरा तो आधार लंब से दोगुना हो गया। पूछिए इससे प्रयोजन नहीं चौगुना हो जाए, क्या दायरे मेरी भला से। लेकिन
परीक्षा में पास होना है तो ये सब ग्राफात आपको याद ही करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए जो चार पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, हाथ में कलम लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी एक अच्छी बात है। उसे एक आदमी के जीवन में संयम आता है, लोगों का उस पर स्नेह सा बढ़ने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब इसी बात को चार पन्नों में कैसे लिख दे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उस पर चार पन्ने लिखने की जरूरत? मैं तो ऐसे हिमाकत समझता हूँ। मेरी नजर में समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम तो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कहे और निगाह खोले। मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये इन छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब समय की पाबंदी पर एक निबंध संक्षेप में लिखो, लेकिन जो चार पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में चार पन्ने हुए ठीक, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बातें हैं या नहीं? बालक भी इतनी बात समझते हैं। लेकिन इन अध्यापकों को तमीज नहीं, और इस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापर तुमको बेलने पड़ेंगे, और तब तुम्हें आगे ताल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रहते, इसलिए मेरा कहना मानो, लाज फेल हो गया हूं। लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूं, इस संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसीलिए जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं तो बताइएगा। चलो स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने भाई साहब की उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन भी आज भी स्वाद सा लग रहा था, जब पास होने पर इतना तिरस्कार मिल रहा है तो फेल होने पर तो प्राण ही लेके जाएंगे। भाई साहब ने अपनी कक्षा का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। पर इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरा रुचि जो कितियों बनी रही, पढ़ता भी था और बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जल्दी ना होना पड़े। हाँ, खुद पर जो विश्वास पैदा हुआ था वो लुप्त हो गया और चोरों का सजीवन कटने लगा। नतीजा फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब नतीजा, अरे भाई साहब नतीजा, भाई साहब नतीजा। छोटे 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, भाई साहब 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 परिश्रम किया था
कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। रात के 10 बजे तक उधर, भोर 4 बजे से इधर, 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले उत्तराकांतिहीन हो गई और बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। भाई साहब मैं भी रोने लगा। नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट। यही आठवीं जमात के लोग हमारे बड़े बड़े लीडर और समाचार पत्र के संपादक हैं, जिनकी बात हदी में बड़े बड़े विद्वान काम करते हैं। और तुम उसी आठवें दर्जे में होके इन धेले के कनकौए के लिए दौड़ रहे हो।
तुम्हारी इस कम अकली पर मुझे दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूं और तुम आज मेरी ही जमात में आ जाओ और इन परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद, महज 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में 5 साल का अंतर है जिसे तुम तो क्या खुदा नहीं मिला सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे इस दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, फिर चाहे तुम एनमेडिलिट या डिफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं या 6वीं जमात से आगे नहीं गए और हम दोनों चाहे इस सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें। अम्मा और दादा को हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये चाहे कोई भी बात ना उन्हें मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। देव ना करे कल के दिन को मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारी तो हाथों भूल जाएंगे, पर दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। अगर वहीं तुम्हारी जगह पर दादा हूं, ना घबराएंगे ना किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, पहले नब्ज पहचान कर खुद इलाज करेंगे, अगर उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। खैर छोड़ो, बीमारी तो बहुत बड़ी बात है, हम और तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, धोबी और नाई से मुँह चुराते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो जितना आज तुम और हम मिलकर खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग हैं। अब अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, बोलो एमए है कि नहीं, और वो भी यहां वहां के नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपए पाते हैं लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री फेल हो गई, पहले घर का प्रबंध खुद ही संभालते थे, खर्च पूरे ना होते थे, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनके घर का प्रबंध उनकी बूढ़ी माँ ने हाथ लिया है मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाई जान ये बात अपने दिल से जरूर निकाल देना जब तुम मेरे समीप आ गए और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम जो बेरा नहीं चल पाओगे और जो तो तुम यूं नहीं मानते तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बातें जहर लगती, मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजन आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है और आपको कहने का अधिकार है। क्या करूं, खुद तेरा चलूंगा तो तेरी रक्षा कैसे करूंगा? आखिर ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है। अचानक से उसी वक्त हमारे ऊपर से कटा हुआ कनकौवा गुजरा, उसकी डोल लटक रही थी,
भाई साहब लंबे थे, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ने लगा। और मैं बेटों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। भाई साहब नाटक, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुंदर सुंदर कहानियों पर आधारित ये नाटक था और इसे बड़े सुंदर तरीके से सुंदर लाल छाबड़ा जी ने ही निर्देशन दिया। आपके सामने पांचाल जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए। छाबड़ा जी से अनुरोध करूंगा मंच पर। पार्टी बटन आप से खत्म हुआ तो आप लोगों के लिए भी सॉरी, सबके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई टेक्निकली, हमें लेट शुरू करना पड़ा। बिल्कुल, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और सभी ने एक बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा। थैंक यू।
नाटक के बारे में कुछ चीजें। मैं इस नाटक की जो पात्र थी छोटे बनी है उसकी माँ हूँ। हाँ बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों को देख के आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने बच्चों को देख के वैसे ही सबको अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये पिता हैं उसके है। नहीं मैं बच्चों का ये पूरा लाइव ही है, लगातार कुछ जीवंत कुछ चल रहा है, जो भी लगातार इसमें बहुत कुछ गैप नहीं होने की वजह से ना इसमें कोई रुकावट नज़र आ रही थी, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात इस नाटक के लिए था ये, और सब लोग उस पर एक्टिव और सबों के चेहरे पे जो उनका एक्सप्रेशन उनके ढंग से उनके क्रियाधार के ढंग से आ रहा था, काफ़ी अच्छा प्रयास है बच्चों का ये। धन्यवाद। साची बात में बहुत स्वागत है। आप कुछ नाटक के बारे में बताएं, कैसा लगा आपको ये नाटक? बहुत ही अच्छा लगा, सबों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। सर आपने नाटक बताइए, सर नाटक के बारे में कुछ लगा? नाटक बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही प्रेमचंद जी की कहानी तो वैसे भी बहुत ही बेहतरीन कहानी होती है, और उनका नाट्य रूपांतरण करना अपने आप में एक, वाकई डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी मेहनत करी, अच्छा प्रयास किया, और इनमें सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे तो अपना बचपन का ज़माना याद आ गया। बहुत बढ़िया डायरेक्शन, और सभी कलाकारों ने बहुत बढ़िया अभिनय किया, टाइमिंग वाज परफेक्ट। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर सुंदरलाल चावड़ा जी को जो इनके निर्देशक रहे। बेहतरीन नाटक, बेहतरीन प्रस्तुति, मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑडियंस की भीड़ के बारे में, ऑडियंस की भीड़ देख सकते हैं आप। निकलती हुई ऑडियंस को देख करके समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नाटक था ये। मुंशी प्रेमचंद जी की कथा पर आधारित, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, अपने बचपन को याद करते हुए युवा पीढ़ी या कहें कि वृद्धावस्था जब याद करती है अपने बचपन के दिन, तो वो यही कहती है कि कोई लौटा दे मुझे वो दिन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश के दिन। आपको वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश के दिन के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर सुंदरलाल छाबड़ा जी। सर नमस्कार, बहुत नमस्कार। नमस्कार आप। बात में आपका बहुत स्वागत है जी। आपका जो प्ले था बहुत ही बेहतरीन था, आप आई हुई ऑडियंस के द्वारा भी देख सकते हैं। बताइए सर नाटक के बारे में कुछ अपना अनुभव। अच्छा अनुभव तो बहुत अच्छे ही हैं, मतलब कि वैसे तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, वो अभी टाइम नहीं है उतना। हाँ संक्षिप्त में ये है कि जब हम इसे करने लगते हैं तो हम शायद अपने बचपन में पहुंच जाते हैं, मतलब हम जब भी किया है मैंने इसकी, दो तीन कास्ट चेंज हो चुकी हैं क्योंकि हर बार रिवाइव करना पड़ता है, तो करते 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 हमें तो अपने पुराने दिन ही आ जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि वो सब ऑडियंस तक भी पहुंचे और वो भी शायद अपने बचपन को याद करे, और शायद वो आने वाली जनरेशन इस चीज़ को समझे कि क्या जो खेल थे जो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल्स में चले गए हैं, वहाँ से निकल के रियल लाइफ में आएँ और रियल लाइफ ज़िंदगी को जिएं। कोशिश ये है, बाकी तो देखते हैं क्या है। बाकी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू प्रेमचंद जी ऊपर हैं, थैंक यू। इसी के साथ साची बात के लिए मैं रूप सिंह गोसाई, कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ।